पुदीना। फ्रेश फ्रेश पुदीना हम डालेंगे अपने रायते में। यहाँ पे हमने इसको भिगो के रख लिया। चलो डालो प्रिंसेस, बाकी चीजें रामेश्वरी बनने लगी है। डालो वो मामा के स्पून। ऐसे ऐसे ठहरो, ऐसे डालूं तो छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू मेरा अदर वीडियो, वेलकम टू मेरा अदर ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा आप सबको। रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। इस दफ़ा रमज़ान का महीना इतना ठंडा और इतनी मज़े की बारिशें हो रही हैं ना, तो मैंने सोचा मैं भी आप लोगों के साथ अपनी एक अफ्तार रूटीन शेयर कर दूँ। इतना मुश्किल है ना अफ्तार रूटीन शेयर करना, मैं तो ब्लॉग बनाते बनाते थक गई थी। अच्छा चले जी, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं अपना। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए मौसम इतना खूबसूरत है। लगातार दो दिन से हमारे पास तो बारिशें हो रही हैं और रमज़ान का महीना इतना ठंडा, इतनी मज़े की सहरी टाइम भी बारिश, अफ्तारी टाइम भी बारिश, मतलब एक मज़ेदार सी रौनक सी लगाई हुई है बारिशों ने। तो मज़ा आता है इस तरह की ना मौसम में शूट करने का और ब्लॉग्स बनाने का। तो यहाँ पर ये तकरीबन 3 बजे का टाइम है, तो किचन में हम लोग थोड़ी अफ्ताई की तैयारी वगैरह कर रहे थे। तो ये योगर्ट पड़ी हुई थी तो उसको मैं बस थोड़ा सा पोर्शन में कर रही थी कि एक बाउल में डाल के रख देते हैं ताकि सुबह सैरी में काम आ जाए और बाकी के मैं बनाऊंगी दही भले। और ये समोसाज निकाल के हमने रखे हुए थे कि इनको भी हम फ्राई श्राई कर लेंगे। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे 7 फुलकियों के लिए मैंने थोड़ा सा बेसन जो है वो मिक्सअप कर लिया था, नमक मिर्च और बेकिंग पाउडर वगैरह डाल के। इजीली सबको पता है कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेरा जवान है ना बच्चा, इसने कहा जी आज तो सारे पीछे हट जाए और सारी अफ्तारी मैं खुद ही बनाऊंगी। तो इसने पिलर शिलर पकड़ के, तो जो ही ये खीरे छीलने शुरू हुई इसने सारे खीरे ही छील डाले। मेरा भी ध्यान नहीं गया और ये भी पकड़ के छीलती गई और ज़्यादा बातें करती गई। तो अच्छा जी, आज की जो सारी अफ्तारी है ना वो आमना ने तैयार की और आमना की टट 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 बातें आपको सुनने को मिलेंगी। इसने कितनी मज़े की बातें की, तो इसलिए मैं व्लॉग को एंड तक लाजमी देखने आपने। अच्छा, उसके बाद जी ऑयल गर्म हो गया था, तो ऑयल के अंदर जो मैंने फुलकियाँ डाल के फुलियाँ फ्राई की, क्योंकि गर्म ऑयल के अंदर आप डालेंगे तो फिर ये अच्छी तरह फ्राई होंगी, वरना ये ख़राब हो जाएंगी, फुस हो जाएंगी, फूलेंगी नहीं। तो बस इनको फटाफट डाल के तो मैंने अपनी फुलकियाँ तैयार कर ली। बस दही भल्ले हो ना अफ्तारी के अंदर तो फिर बड़ा मज़ा आता है, दही भल्ले ईजी होते हैं। अच्छा, दही भल्ले जो है ना वो थोड़े लाइट वेट लगते हैं, मुझे बाहर के दही भल्ले बिल्कुल नहीं पसंद। घर वाले में एज ए रायता मुझे अच्छा लगता है तो मैं खा लेती हूँ, और फ्रूट चाट तो बिल्कुल भी हमारे घर में कोई भी पसंद नहीं करता। हम लोग फ्रूट खा लेंगे लेकिन फ्रूट चाट नहीं खाएंगे, क्योंकि यार वही आप 2 केले खाओ, 1 सेब खाओ, साथ जो भी आपका खरबूज तरबूज है वो खाओ, तो आपके अंदर जाके फ्रूट चाट ही बन जाएगी। लेकिन वो चम्मच से खाना तो मुझे इतना कोई अजीब लगता है ना फ्रूट चाट। तो बस यहाँ पे मेरी फुलकियाँ बनती जा रही हैं और इनको मैं निकाल के बाउल के अंदर तो थोड़ी देर पानी के अंदर भिगो के रख दूँगी। अच्छा जी, बस ये लास्ट पूरा है जो मैंने अब निकालना है, तो बस इनको मैं बाउल में डाल के रख दूँगी, क्योंकि ये पहले बने हुए होंगे ना तो फिर ठंडे भी हो जाएंगे। और अभी टाइम तो काफ़ी अफ्तारी में 3:30 हुए और आपको पता है गैस इतनी लेट देते हैं, मुश्किलों से ही आप जो है ना अफ्तारी का सामान तैयार कर सकते हो। मतलब बंदा रमज़ान के अंदर ही कोई शर्म हया कर लेता है, पर नहीं। तो बस यहाँ पे मामा जो है ना वो पीछे अपनी हांडी रोटी लगी हुई थी, जो भी उन्होंने सालन मेरे ख्याल में आलू गोश्त बना रही थी, और हम लोग जो है ना यहाँ पे बस पीलिंग शीलिंग में कर रहे थे, सैलेड वगैरह काट रहे थे। और रामना ज़रा स्टिल अभी तक जो है ना वो बिज़ी है अपने खीरे काटने में, उसको यहाँ पे चोटें भी लग रही हैं लेकिन ये बाज़ नहीं आ रही। फिर एंड पे खैर मैंने इसे पीलर लिया, मैंने कहा बस कर दो, माफ़ी दे दो हमें। यहाँ पे एक हमारा रोज़ेदार जो है ना वो अपने गधे घोड़े बेच के सो रहे हैं, और ये हमारा आलू गोश्त मामा का, अम्मा जी के हाथ का आलू गोश्त हमारा फेवरेट है। जब हमारा बहुत मज़ेदार कोई चीज़ खाने का दिल हो ना, फिर हम मामा से कहते हैं मामू आज आलू गोश्त बनाओ, साथ हम चावल बॉयल कर लेते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है खाने का। तो ये अब जी आमना ज़रा जो है ना नानी को आलू छील के दे रही है। ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं डालनी आमना, मैं पकड़ती हूँ आप हाथों से इसके अंदर डाल दूँ योगर्ट के अंदर। जल्दी से मेरी मेरा हाथ थक गया। चलो छोड़ दो, चलो चाट मसाला दो मुझे। चाट मसाला भी मैं ही डालूंगी, थोड़ा सा नमक दो। अच्छा आधा मैं पकड़ के आपका हाथ, हाथ पीछे करो दूसरा। आए हैं जी इधर, अम्मी मैं तो ऐसे हाथों से भी तोड़ लूंगी। पुदीना लेने पुदीना पुदीना
फ्रेश फ्रेश पुदीना हम डालेंगे अपने रायते में। तो होता जाम बस इतना सा चाहिए। यहाँ पे जी हमने फ्रेश फ्रेश धनिया तोड़ा अपने बागीचे में से, और आमना ज़रा जैसे आप देख रहे हैं ना मेरे साथ साथ हर काम के अंदर इसका हाथ आ रहा है, और ये सारा काम इसका दिल था कि बस मैं ही करूँ और बस फटाफट हो जाए उसके हाथों से ये सारे काम। ओके okay. एक मिनट, इसको नहीं मिक्स करना ज़्यादा, बस इसको ऐसे ऊपर ऊपर करने देना, ठीक है। इसके ऊपर मैं आपको देती हूँ चार मसाला। मैं खुद डालूंगी इस टाइम, पूरा डाल देना, दो दो डाल देना जी, दो दो डाल देना। नहीं नहीं बेटी, सारा नहीं डालना, ज़्यादा डाल दूंगी, ऐसे ऐसे ठहरो, ऐसे डालूं तो छोड़ो बेटे आपने गिरा देना है ना। ये दही बल्ले ऐसे बन गए हमारे, कुछ काम मुझे करने दिया है नहीं करने दिया मैंने अपने बेबी। अच्छा यहाँ पे अब ऑलमोस्ट अफ्तारी का टाइम जो है वो करीब आ गया था, तो यहाँ पे एंड पे जो है ना हम लोग समोसे वगैरह फ्राई कर लेंगे, और जो भी जितनी भी तलने वाली चीज़ें होगी ना उनको तल लेंगे। और यहाँ पे आमना ज़रा अगेन इन द किचन, और ये यहाँ पे बना रही है जामे शीरी। वैसे अब मौसम तो नहीं है कोई भी इस तरह का ठंडा पानी पीने का, वैसे दिल नहीं करता, पहले पता है स्कंजवियाँ और जामे शीरी और पता नहीं कितने किस्म के टैंक बनते थे पीने के लिए, लेकिन अब बस ईज़िली कोई भी आप पानी पी सकते हो। तो यहाँ पे बस आमना की फरमाइश के लिए हम छोटे से जग में छोटा सा जामे शीरी का एक जग तैयार कर रहे हैं, और ये खुद बना रही है वो जामे शीरी। तो और साथ यहाँ पे जो है ना अनिला चिकन स्नैक्स को फ्राई कर रही है, इसकी पता नहीं रेसिपी शूट करना मैं भूल गई, लेकिन ये बनाना इतना इजी है। बोनलेस चिकन हो उसके अंदर आप सोया सॉस सिरका या लेमन डाल के उसके बाद नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा सा चिकन पाउडर डालें, और साथ जिंजर गार्लिक का पाउडर डाल के इसको मिक्स कर लें, और उसके बाद इसको कॉर्नफ्लोर या मैदे के अंदर इसकी कोटिंग करके इसको फ्राई करो। ये इतने मज़े के और इतने जूसी बनते हैं ना, तो ये बस थोड़ा सा हमने साथ इसका एक बनाया था अफ्तारी में, पता इस तरह की चीज़ें फिर मज़े की लगती हैं। और यहाँ पे ये जो मेरी प्रिंसेस है ना ये पूरे मतलब अफ्तारी की तैयारी कर रही है, सारे बर्तन लगा रही है नीचे। अच्छा पता नहीं क्यों रमज़ान में अफ्तारी करने का मज़ा ना जो नीचे बैठ के आता है ना वो ऊपर बैठ के खाना खाने में नहीं आता, तो बस दिल यही करता है कि नीचे बिछा के कोई चीज़ तो हम उसके ऊपर बैठ के अफ्तारी करें, तो तभी मज़ा आता है, वो एक अजीब सी ना कोई रूहानियत टाइप चीज़ नज़र आती है। तो ये यहाँ पे तकरीबन हमारी सारी चीज़ें आमना ने सेट कर दी हैं, उसको सेटिंग करने का भी इतना शौक हो रहा था। तो ये अम्मा जी की हांडी आलू गोश्त बड़ी मज़ेदार डिलीशियस शक्ल से तो बहुत मज़े की लग रही, मामा के हाथ का आलू गोश्त बहुत मज़ेदार है, हमेशा मैं इस चीज़ को मिस करती हूँ कि अच्छा हमसे नहीं बनता ये वाला, चाहे हम जितना भी कर लेना ये वाली वो उसकी ग्रेवी और ये वाला ये लुक नहीं आती। तो बस इसको भी हम उधर रखते हैं, साथ रोटियाँ बना ली थी, और फिर हमें नेबर्स के घर से अफ्तारी भी आई थी, चावल बड़े मज़े की बिरयानी बनाई हुई थी उन्होंने। तो यहाँ पे बस आमना ज़रा बैठ के जो है ना इसको मैंने कहा आप ना सूरत इखलास पढ़ो बैठ के, उसको आती है ना बड़ी अच्छी, तो वो यहाँ पे बैठ के साथ साथ तिलावत कर रही है अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में। अच्छा जी ये था आज का मेरा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। इट वाज़ टू डिफ़िकल्ट टू शूट व्लॉग इन अफ्तार, पता नहीं बंदे कैसे कर लेते हैं, लेकिन अफ्तारी में शूट करना वेरी वेरी टफ यार। लेकिन आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। टाटा बाय बाय।